यो न्युज चाहिँ हेरिहाल्नु होला है। इन्डियामा एकदम खतरा एउटा के भन्छ हाम्रो कुलेखानीको ड्याम जस्तो एउटा भत्केर चाहिँ एउटा पुरा गाउँ बस्ती पुरै तहस नहस भएको छ है। पहिला एकचोटि केदारनाथ मा त्यसरी बाढी आएको थियो, ठुलो बाढी, त्यो कारण धेरै लाखौँ मान्छेहरू मरेको थियो। तर आज चाहिँ यो ड्याम भत्केर साँच्चीकै धेरै मान्छेहरू नोक्सानी, धेरै मान्छेहरू मरिसकेको छ है। एकदमै सायद यो न्युज तपाईँहरूले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य तपाईँहरूले हेर्नुहोला। मैले चाहिँ अहिले भर्खरै युट्युबबाट र फेसबुकबाट लिएर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गरेको छु, अवश्य पनि हेर्नुहोला। थ्याङ्क यू। मित्रों इस समय मैं तपो बना हूँ, इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से जो तार टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते विष्णु प्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। मैं नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है चमोली कर्ण प्रयाग श्रीनगर तक, सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कृपया बच कर रहे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। कृपया ध्यान दे सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है, इसलिए ये देखिए ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा, कृपया वो ध्यान दे चमोली कर्णप्रयाग श्रीनगर ऋषिकेश तक जहाँ तक भी है, जल्दी से जल्दी ध्यान दे, कृपया संभलने का प्रयास करे, श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग, चमोली यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौली गंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है, भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं पूरा तरह से तबाही मचती हुई, समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से ऊपर तबाही मच रही है, बड़े ऊपर से ही पता नहीं है बहुत बड़ी तबाही इस समय ये हो रही है। इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए, कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करने में सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय तबाही मच रही है पूरा ऊपर से, दिन दोपहरी धूप खिली हुई है फिर भी ये तबाही मचाता हुआ इस समय। वो तो आवाज में क्या सोच रहा था कि इसमें आवाज कितनी खतरनाक आ रही, पहले मैंने सोचा इधर कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट हो रहा है कुछ, पार मंदिर तो नहीं डूबे, हाँ मंदिर